कितना सुंदर बात कही है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। आप और हम कई संसार के लोग, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में शिव भक्त अपने अपने चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सबसे कहना चाहूंगा, कई लोग, आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति के नाम पर नेत्र बंद कर बैठ जाते हैं, आंख बंद कर बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमने तो जो हो रहा था वो देखा ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम भजन कर रहे हो, तुम घर में सेवा कर रहे हो, तुम आराधना कर रहे हो, तुम पूजन कर रहे हो, तुम शंकर जी से लाड़ लड़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तुम शिव की स्तुति कर रहे हो, और मालूम पड़े किसी व्यक्ति पर उसी स्थान पर जहां तुम पूजन कर रहे हो, जहां तुम आराधना कर रहे हो, उसी स्थान पर किसी व्यक्ति पर अगर कोई कष्ट दे रहा है, तो प्रथम फर्ज तुम्हारा बनता है कि पूजन से पहले परमार्थ का कार्य करना है। भैया थोड़ा रुकिए, भैया थोड़ा सावधान होइए, ए उसके पांव में चोट लग गई, भैया उसको हाथ में लग गई, भैया उसको ऐसा हो गया, पहले जल। संत तुकाराम जी महाराज का चरित्र कहता है, संत नामदेव जी महाराज का चरित्र कहता है, प्रयागराज से जल भरकर रामेश्वर को कावड़ चढ़ाने के लिए गए थे संत, और संत जब कावड़ चढ़ाने के लिए प्रयागराज से जल भरकर, त्रिवेणी का जल भरकर जब पहुंचे रामेश्वर धाम के लिए, तो बीच रास्ते में चलते 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 उनको एक गधा मूर्छा खाकर पड़ा हुआ मिला, गधा जमीन पर पड़ा हुआ मिला। तो संतों ने विचार करा, बाकी के संत भी साथ थे, कोई ने अपनी कावड़ का जल उस गधे को ना दिया, पर संतों ने, तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने अपनी कावड़ का जल लिया और उस जल को गधे को पिला दिया, गधा उठकर बैठ गया। सारे संत कहने लगे, इतना दूर प्रयाग से जल भरकर चले थे, केवल थोड़ी ही दूर पर रामेश्वरम बचा था, कुछ दूर पर रामेश्वरम बचा था और तुमने तुम्हारा जल गधे को दे दिया। संत तुकाराम नामदेव जी कहते हैं, जल जिसके लिए लेकर चले थे वो जल उसने यहीं स्वीकार कर लिया, उसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तुझमें रब दिखता है यारा में क्या करूं। हर एक में परमात्मा नजर आए, हर एक में भगवान नजर आए, हर एक में परमात्मा का दीदार हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। गधे में उसने परमात्मा को, भगवान, संतों ने गधे में भगवान का दर्शन किया, तो भगवान उसी जगह पर जब जल चढ़ा दिया और जल चढ़ाने के बाद जैसे ही संत चलने लगे, तो वो गधा अपने मनुष्य देह में आकर बोलता है कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। बहुत दूर से जल भर कर लेकर आ रहे हो, बहुत दूर से जल लेकर आ रहे हो और दूसरे को अगर कष्ट दे रहे हो, दूसरे को त्राड़ दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं बन सकता, उसमें एक आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। श्रेष्ठता तब है जब हम किसी को कष्ट ना दे। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है।